हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? आई होप यू विल बी फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। सो आज हमारा टॉपिक है सुपर सेंसेस। आज हम सेंसेस के बारे में जानेंगे और इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स कुछ हमने इसमें लिखे हैं जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए जाएंगे ताकि आप इजीली उनको समझ सकें। सो सेंसेस क्या है? सेंसेस, हाउ मैनी सेंसेस यू हैव? यस, यू हैव फाइव सेंसेस। दीज सेंसेस आर फर्स्ट आईज, कैन सी हियर, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड हैंड और स्किन कह सकते हैं, है ना। आई इज यूज्ड टू सी, आई इज यूज्ड फॉर साइट। फर्स्ट वन देखिए आप, आई यूज की जाती है देखने के लिए। सेकेंड, ईयर्स, हियरिंग के लिए। थर्ड, स्मेल, स्मेल के लिए हम कौन सा अपना सेंस यूज करते हैं? नोज। यस, नोज हमें बताती है स्मेल कैसी है। जैसे हम फूड है, मम्मी जब फूड देती है तो उससे हम स्मेल से पता चल जाता है आज कौन सा खाना बना है। और जब आपका फेवरेट फूड बनता है तो आपको अच्छी स्मेल आती है, बहुत दूर से स्मेल आ जाती है और भागे भागे आप जाते हैं किचन की तरफ। वाह मम्मी, आज तो आपने मटर पनीर बनाया है, फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी आपकी फेवरेट डिश है। फोर्थ वन है टच, स्किन। आपकी स्किन पर कोई हाथ लगाए, टच करे तो आपको एकदम महसूस हो जाता है कि किसी चीज़ ने हमें छुआ है। कोई आपको पिंच करे तो फौरन आप जो है फौरन रिएक्ट करते हैं, फौरन रिएक्शन करते हैं, क्योंकि आपको एहसास होता है कोई हमारे पिंचिंग कर रहा है। लास्ट है फिफ्थ वन, टेस्ट, टंग। टेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं अपनी टंग। टंग से हमें पता चलता है स्वीट, सॉर, सॉल्टी, ठीक है, खट्टा, मीठा, कड़वा, ये सब हमें पता चल जाता है। आपको पता है ना, सॉल्टी चेक करने के लिए हम टंग का आगे का पार्ट यूज़ करते हैं, सबसे आगे का, और जो मिडिल जो पार्ट होता है उसमें हमें पता चल जाता है खट्टे का, और जो लास्ट वाला पार्ट होता है हमारी टंग का उससे हमें पता चलता है सौर का, कड़वे का, है ना। चलिए अब इसकी एक डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। ह्यूमंस हैव फाइव बेसिक सेंसेस, टच, साइट, हियरिंग, स्मेल एंड टेस्ट। द सेंसिंग ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद ईच सेंस सेंड इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड परसीव द वर्ल्ड अराउंड अस। जो फाइव बेसिक सेंसेस हैं, टच, साइट, हियरिंग, स्मेल एंड टेस्ट, ये ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ में एसोसिएटेड है, है ना। ये हमें, इनके थ्रू जो इंफॉर्मेशन है वो भेजी जाती है ब्रेन को। तो ब्रेन को जब भेजी जाती है तब हम समझ पाते हैं और अपने वर्ल्ड के आसपास जो कुछ हो रहा है उसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना। जैसे कि आप एक फॉरेस्ट में जा रहे हैं तो आपको वहाँ डिफरेंट बर्ड्स की वॉइस आती है, तो आपका कौन सा सेंस ऑर्गन वहाँ काम करेगा? बर्ड्स की वॉइस सुनने में, उनकी जो साउंड आ रही है, अलग अलग तरह की जो आवाज़ें आती हैं। यस, आपके जो ईयर्स हैं ये आपको सुन करके बताएंगे कि ये पैरट की वॉइस है, ये पीकॉक की वॉइस है, है ना, ये एलिफेंट की वॉइस है। तो इस तरह हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, अब जैसे हमारी आईज हैं, आईज से हम चारों तरफ कलरफुल एक वर्ल्ड है हमारा, इसको देख सकते हैं, है ना। जिनकी आईज नहीं है सोचो उनके लिए इस वर्ल्ड में क्या है, उनके लिए अंधेरा ही अंधेरा है चारों तरफ, तो उनका सेंस ऑर्गन वो किसी काम का नहीं है। उनको वो जो गिफ्ट है, जो आईज का गिफ्ट है, वो
वो उनके पास नहीं है, हमारे पास है। तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए, हमें थैंक्स कहना चाहिए गॉड के लिए जिनके पास पूरे 5 सेंसेस हैं, है ना। इसी तरह किसी के पास आइस नहीं है, ईयर्स नहीं है ना, तो हमें सबको देखना चाहिए और हमें अपने इन सेंसेस की केयर्स करनी चाहिए, मीन्स अपनी पूरी बॉडी की केयर करनी चाहिए। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। यस, सॉल्यूशन फॉर ईवीएस चैप्टर 1 सुपर सेंसेस। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। आंसर, एंट्स एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, दे कैन सी, हियर, स्मेल एंड फील। ड्यू टू डिफरेंट सेंसेस द एंट कुड नो दैट अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। एक एंट को, एक चींटी को कैसे पता चल जाता है कि दूसरी एंट वो जो आई है वो इसके इनके ग्रुप से नहीं है। तो आंसर, एंट्स एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। जो चींटियाँ होती हैं और बाकी दूसरे एनिमल्स होते हैं उनके पास भी डिफरेंट सेंसेस होते हैं। दे कैन सी, हियर, स्मेल एंड फील। वो देख सकते हैं, वो सुन भी सकते हैं, स्मेल भी से भी पता लगा सकते हैं और वो फील भी करते हैं। ड्यू टू डिफरेंट सेंसेस द एंट कुड नो दैट अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। दूसरे जो सेंसेस होते हैं चींटियों के पास, उससे वो पता लगा सकते हैं कि जो एक एंट आई है वो इनके ग्रुप से नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट। आंसर, द गार्ड एंट कुड रिकॉग्नाइज दिस एंट बिकॉज ऑफ स्मेल। स्मेल से जो गार्ड एंट है वो पता लगा सकती है कि जो दूसरी एंट है वो इनके ग्रुप से नहीं। ट्राई दिस एंड राइट, ड्रॉप सम सुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द एंट्स कम देयर। अब आपको ये ट्राई करना है और फिर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आपको कुछ सुगर, जैगरी या फिर कुछ स्वीट चीज़ ग्राउंड पर डालनी है और तब तक वेट करना है जब तक कि कोई चींटियाँ ना आ जाएं, ठीक है? ठीक है। क्वेश्चन 1, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंट्स टू कम। तो इसके आने में जो चींटियां हैं वो कितना समय लेती हैं, ठीक है? सो क्या होता है, पहले एक एंट आती है और फिर उसके बाद में उसके एंट के पीछे पीछे पूरा ग्रुप आ जाता है ना। एक एंट के आने के बाद तो जो दूसरी एंड उसको फॉलो करते करते आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड, डिड वन एंड कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंड्स केम टुगेदर। पहले एक एंड आई थी या फिर पूरा ग्रुप आया था एंड्स का। आंसर, वन एंड केम फर्स्ट फॉलोड बाय ए ग्रुप ऑफ एंड्स। पहले जो सिर्फ एक चींटी आई थी उसके बाद में जो एक एक करके पूरा ग्रुप आ जाता है। थर्ड, वाट डिड द एंट्स डू विद द फूड। उस फूड के साथ जो चींटियाँ हैं वो क्या करती हैं। द एंट्स कैरीड द फूड टू देयर होल। जो एंट्स हैं वो फूड को अपने होल में ले जाती हैं। फोर्थ, वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर। आंसर, दे गो टू देयर होल फ्रॉम देयर। उसके बाद वो कहाँ जाती हैं वहाँ से फूड लेकर के। दे गो टू देयर होल फ्रॉम देयर। फिफ्थ, डू दे मूव इन अ लाइन। आंसर, यस, दे मूव इन अ लाइन। नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंट्स ब्लॉक देयर पथ फॉर अ वाइल विद अ पेंसिल। वो एक लाइन में मूव करती हैं। अब आप केयरफुली एक काम कीजिए, आप किसी चींटी को कुछ हार्म नहीं करेंगे और उनका जो पथ है रास्ते को ब्लॉक कर देंगे, यानी वहाँ पर एक पेंसिल डाल देंगे, फिर आप देखिए क्या होता है। सिक्स्थ, नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंट्स मूव। आंसर, एंट्स क्लाइंब अप ऑन द पेंसिल, द स्टिल मूव इन अ लाइन। तो एंट्स जो एक एक करके आपकी पेंसिल के ऊपर से चढ़ करके
अपने रास्ते पर लाइन में चलती रहेंगी, है ना, वो रुकने वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, नाउ कैन यू गैस वाई द एंट्स बिहेव्ड लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पथ्स। अब आप सोचिए कि क्यों आंट्स ने ऐसा बिहेव किया जब आपने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया, फिर वो क्या करती हैं। ठीक है, आंसर में देखते हैं। एज द एंट्स मूव्स इट लीव्स अ स्मेल ऑन द ग्राउंड। जब जो चींटियां हैं वो चलती हैं तो वो एक स्मेल छोड़ती हुई चलती हैं ग्राउंड पर। द अदर एंट्स फॉलो दिस स्मेल टू फाइंड द वे। और जो दूसरी चींटियां होती हैं उनके ग्रुप की, वो उसको फॉलो करते हुए उस लाइन में चलती हैं, उस स्मेल को सूंघते हुए आगे लाइन में बढ़ती हैं। दस व्हेन देयर पथ वॉज ब्लॉक एंड्स ट्राई टू मेंटेन देयर पथ बाय फॉलोइंग द स्मेल। तो जब आप उनका जो पथ है वो ब्लॉक कर देते हैं तो जो एंड्स है वो ट्राई करती हैं मेंटेन करने के अपने पथ को। ठीक है, वो अपने रास्ते से भटकती नहीं है क्योंकि वो स्मेल जो चींटी छोड़ती जाती है वो उसके थ्रू आगे बढ़ती रहती हैं। एट्स, हैव यू एवर बीन ट्रेवल्ड बाई मॉस्किटोज, जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर। क्या आप भी कभी जो है मॉस्किटोज के द्वारा परेशान किए गए हैं, उन्होंने कभी आपको परेशान किया है? जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर, उन्हें कैसे पता चल जाता है कि आप कहाँ पर हो। आंसर, मॉस्किटोज कैन रिकॉग्नाइज द स्मेल ऑफ आवर बॉडी, दे कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज अस बाय द हीट फ्रॉम आवर बॉडी। मॉस्किटोज हमें पहचान लेते हैं हमारी बॉडी की स्मेल से कि हम कहाँ पर हैं। दे कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज अस बाय द हीट फ्रॉम आवर बॉडी, और हमारी बॉडी की हीट से भी उनको पता चल जाता है। नेक्स्ट, Have you seen a dog sniffing here and there? What do you think it is trying to smell? क्या आपने कभी देखा है किसी डॉग को इधर उधर सूंघते हुए? आपने देखा होगा जरूर अपने एरिया में आसपास। तो आपको क्या लगता है कि वो क्या सूंघने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ऐसा बिहेव? आंसर, यस आई हैव सीन अ डॉग स्निफिंग हेयर एंड देयर। अ डॉग कैन मेक आउट द प्रेजेंस ऑफ अनदर डॉग इन द एरिया बाई स्मेलिंग इट्स यूरिन। यस, मैंने देखा है डॉग को इधर उधर सूंघते हुए। अ डॉग कैन मेक आउट द प्रेजेंस ऑफ अनदर डॉग इन द एरिया। एक डॉग दूसरे डॉग का पता लगा सकता है कि उसके एरिया में कोई डॉग आया है या नहीं आया बाई स्मेलिंग इट्स यूरिन, उसके यूरिन को सूंघ कर, यूरिन से पता लग जाता है उसको। द डॉग यूजुअली स्मेल्स टू फाइंड आउट इफ़ ए न्यू डॉग हैज़ कम इन द एरिया। अक्सर डॉग्स को पता चल जाता है सूंघने से ही कि हमारे एरिया में कोई नया डॉग आया है या नहीं आया है। आपने भी देखा होगा आपकी गली में जब कोई नया डॉग आ जाता है ना, तो वो सारे कुत्ते मिलकर के सारे डॉग्स उसको भौंकते हैं और बाहर भगा देते हैं, और यूरिन से भी सूंघ सूंघ के पता लगा लेते हैं कि इस एरिया में आसपास कहीं नए डॉग है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं सारे क्वेश्चन आंसर्स, और इस वीडियो को दो बार देखना ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।